हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने बच्चों, टू कॉस थीटा इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर टू प्लस फिर अंडर रूट टू प्लस फिर अंडर रूट टू प्लस कॉस ए थीटा, प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके बच्चों, देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। RHS से हम लोग प्रूव करेंगे कि LHS से तो प्रूव करना इम्पॉसिबल सा है बच्चों। ये तो RHS हम लोग यहाँ पर लेंगे बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट टू प्लस फिर से अंडर रूट टू प्लस कॉस एट थीटा, ठीक है। ये बच्चों हम लोग यहाँ पे सिंस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा फॉर्मूला जो कि बच्चों कॉस के फॉर्म में होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक साइन के में फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग को ये कट करना है। यहाँ पे टू भी लिख लीजिए, टू कॉस एट थीटा होगा, यहाँ पे भी टू कॉस एट थीटा, ठीक है बच्चों। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से किस प्रकार से इस क्वेश्चन करेंगे। जब आप यहाँ पे टू कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग टू कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टू कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, तो टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉमन करिए तो क्या यहां बचेगा, वन प्लस कॉस एट थीटा, ठीक है। अब जो समझिए यहां पे अगर एट होगा तो यहां पे कितना आएगा, फोर थीटा आएगा, ठीक है। और फिर माइनस वन, तो क्योंकि यहां पे हमेशा हाफ आता है, जैसे टू थीटा लिखा तो यहां पे कितना आया, थीटा आया है, और यहां अगर एट होगा तो यहां कितना आएगा, फोर थीटा आएगा। और वन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगर हम बताएं बच्चों, टू लिख लीजिए प्लस ये रूट लगा यहां तक, टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू ब्रैकेट वन प्लस, लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे, टू कॉस स्क्वायर फोर थीटा, टू कॉस फोर थीटा माइनस वन, ठीक है। वन से वन क्या जाएगा, कट जाएगा, टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। इक्वल आप लगाते रहिए यहाँ पे लगातार, ठीक है बच्चों। और ये टू प्लस अंडर रूट टू प्लस, और ये कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर कॉस स्क्वायर फोर थीटा, ठीक है। ये रूट से बाहर आएगा फोर, तो क्या बन जाएगा, टू प्लस ये क्या बन जाएगा, टू कॉस टू फोर थीटा, ठीक है, टू कॉस फोर थीटा। ओके बच्चों, फिर से हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे बच्चों, कॉमन कितना भाई, टू करेंगे, ये टू लिखेंगे प्लस अंडर रूट में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे टू, क्या बचेगा, वन प्लस कॉस फोर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहीं पे ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ फोर है तो यहाँ पे कितना आएगा, टू थीटा आएगा, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, तो अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट के अंदर टू ब्रैकेट के अंदर वन प्लस, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, ठीक है बच्चों। बोलिए भाई, यहाँ फोर थीटा था तो यहाँ पर कितना आएगा, टू, यहाँ एट था तो यहाँ पर कितना था, फोर, वन से वन फिर से कट होगा, और फिर से ये कितना होगा जाएगा, टू टू जा फोर, तो टू प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा। और फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, फोर का रूट क्या होता है, टू कॉस टू थीटा। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब फोर का रूट किया जाएगा टू, कॉस स्क्वायर लिखा तो क्या बन जाएगा, सिंपल कॉस, फिर टू कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा। और फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, तो टू थीटा है तो यहाँ पे सिंपल थीटा बचेगा, टू कॉस का थीटा माइनस वन से वन कट जाएगा, टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और फोर का रूट कितना होता है, टू कॉस थीटा। देखिए बच्चों, यही प्रूफ करना था ना हम लोग को, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही प्रूफ करना था हम लोग को इसके इक्वल, तो टू कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे आ गया। सब लोग को अच्छे समझ में आ गया, आशा करते हैं सब लोग को अच्छे समझ में आया। यहाँ पे टू लिखा हुआ था बच्चों, मैंने गलती से यहाँ पे गलत हो गया था, टू नहीं लिखा था, यहाँ पे सब जगह टू, टू फिर टू फिर टू फिर टू, यहाँ पे तो टू कॉमन लिया, कॉस एट थीटा लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया तो एट का फोर बना, फिर ये टू टू जा फोर हुआ, तो बाहर फिर टू कॉमन लिया, फिर कॉस फोर से टू थीटा बना, फिर फोर हुआ, फिर बाहर टू निकला, फिर कॉमन लिया, टू थीटा से फिर सिंपल थीटा बना बच्चों, यहाँ पे आंसर आ गया। सब बच्चों को समझा गया अच्छे से, दिक्कत तो नहीं किसी क्वेश्चन में बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी।
अब देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों इसका, ट्रिग्नोमेट्री का। आप देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ दे रहा हूँ, 10θ + 2tan2θ प्लस 4tan4θ प्लस 8cot8θ इक्वल टू में क्या प्रूव करना है हम लोग को, ओनली cot θ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको LHS से करेंगे, तो समझिए LHS से किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे LHS को नोट करेंगे यहाँ पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा बच्चों, तो सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। LHS को नोट कर रहे हैं, 10θ प्लस 2tan2θ प्लस 4tan4θ प्लस 8cot8θ, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें लाना क्या है, ओनली cot θ। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बड़े वाले को तोड़ तोड़ कर छोटे में ले आए, फिर छोटे को तोड़ के छोटे में ले आएंगे, फिर छोटे से छोटे में, क्योंकि यहाँ पे सिंपल थीटा लाना है। अगर यहाँ पे 4θ या 8θ लाना है तो फिर हम लोग यहाँ से करते हैं बच्चों, ओके, छोटे वाले को बड़ा करते किसी प्रकार से। लेकिन हमें सिर्फ थीटा लाना है, तो हम 8 को सिंपल ब्रेक करेंगे और फिर उसको ब्रेक करके हम लोग उसे कई छोटे छोटे पार्ट में करते रहेंगे। जैसे 8 को पहले 4 बनाएंगे, फिर 4 को 2 बनाएंगे, फिर 2 को सिंगल बना देंगे। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे फॉर्मूला बच्चों, सिंस 10θ का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, 10θ का फॉर्मूला जो है वो होता है 2tan θ अपॉन में 1 - tan²θ। अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को बच्चों, 10θ इक्वल टू 2tan θ अपॉन में 1 - tan²θ। तो आप लोग ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे समझिए, अगर ये 2θ है तो यहाँ पे θ θ आ रहा है, अगर यहाँ 4θ है बाई चांस तो यहाँ पे समझिए 2θ आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 की जगह 2 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस। बस अगर आप यहाँ 4θ करेंगे, 4θ का मतलब हो जाएगा 2 × 2θ, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 2θ। अगर 8 आएगा तो 4θ, ओके बच्चों, ये चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे कई अलग प्रकार से, 8 लिखा है 4 लिखा, तो कई अलग प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा 10θ, स्टेप बाय स्टेप करिए बच्चों, क्योंकि इकट्ठे करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम भाई होगी बच्चों, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। तो आप एक साथ मत करिए, एक एक को ब्रेक करिए। पहले मैंने क्या कहा भैया, ये फोर लिखा 8, कॉट को मैंने 10 के फॉर्म में लिखा, तो अपॉन में 10 8θ। आप 10 8 फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, 10θ 2tan2θ प्लस 4tan4θ। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या यहाँ पे 2tan4θ है ना, 4θ बच्चों आएगा, सॉरी 4 ऐसे लिख देते हैं, अपॉन में 1 - tan²4θ। लेकिन अपॉन में क्यों, वो तो ऊपर चला जाएगा, कि ये तो उल्टा लिखा है, तो ये ऊपर भेजिए 1 - tan² और ये 4 और ये थीटा। बोलो बच्चों नहीं आया समझ में भाई, 2tan θ 2tan θ अपॉन में 1 - tan 1 - tan²4θ बच्चों, ओके बच्चों। अब ये मैंने 2 से ये अला 8 क्या कर दिया, काट दिया। अब इसमें एलसीएम लिया बच्चों, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, सिंपल करते रहिए, हम ज़्यादा आप लोग को डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब जैसे आपने एलसीएम लिया तो सिर्फ 10θ एलसीएम आएगा, ठीक है, 10θ, सॉरी सॉरी बच्चों लाइन थोड़ी टेढ़ी खींची, ये यहाँ पे जाएगा तो 4tan²4θ। 10² क्योंकि 10/4 यहाँ जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, 10²4θ प्लस इस 4 को आप अंदर इंटू करिए, 4 बन जा 4, यहाँ पे तो कुछ जाएगा नहीं, तो इंटू करिए 4 बन जा 4 -4tan²4θ, और ये देखिए प्लस का है, ये देखिए माइनस का, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ सिस्टम चलता रहेगा लगातार, 10θ प्लस 2tan²2θ बच्चों प्लस ऊपर ओनली 4 बचा, नीचे फिर फॉर्मूला अप्लाई, यही वाला फॉर्मूला। तो समझिए 2tan कितना आएगा, 2θ आएगा, और अपॉन में 1 माइनस, तो अपॉन वाली चीज ऊपर, 1 - tan² कितना है यहाँ पे, 2θ, क्योंकि 4 था तो 4 का हाफ कितना लगेगा, 2, फिर 2 से काटिए बच्चों, ये 4 2, फिर एलसीएम लीजिए बच्चों यहाँ पे, अब एलसीएम आएगा 10 2θ ओनली, है ना, तो 10 2θ यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2tan जाएगा, तो फिर 10²2θ बन जाएगा,
और यहाँ फिर इंटू करिए, टू वन जा टू माइनस टू टेन स्क्वायर टू थीटा है बच्चों, ये टू टेन ये कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस है ना कटते रहेगा यहाँ धीरे धीरे, टेन थीटा और प्लस टू, फिर से फॉर्मूला लगाइए टेन टू थीटा का बच्चों, तो टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन, तो ये ऊपर जाके वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल हो जाएगा, टू थीटा था सिंपल थीटा हो जाएगा, फिर ये टू से टू काट दीजिए, फिर एलसीएम लीजिए बच्चों, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, टेन थीटा आएगा, ठीक है दिख रहा है, हाँ सब कुछ दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, और टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब इस सेट कर दे रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों, तो वन अपॉन टेन थीटा और वन अपॉन टेन क्या होता है सबको पता है, यहाँ पे क्या होता है कॉट थीटा, बस एल एच एस कोल टू आर एच एस, कितना अच्छा क्वेश्चन था प्यारा सा, सभी बच्चों को आ गया, आशा करते सभी लोगों को अच्छे से आया होगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करना है यहाँ पे, ज़्यादा आप लोगों को कुछ खुराफात नहीं करनी है, एक एक स्टेप करेंगे, आप सोचिए हम इकट्ठे फॉर्मूले लगा देंगे तो आप बड़ा बेकार सा हो जाएगा बच्चों, ठीक है तो इकट्ठे मत लगाए कभी भी फॉर्मूला, आराम आराम फॉर्मूले लगाइए बच्चों यहाँ पे, ठीक, पहले कॉट को टेन में चेंज किया, टेन में लगाया फिर इसमें लगाया फिर इसमें, है ना, आप लोग एक साथ भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो ज़्यादा एक साथ हो जाएगा तो बड़ा एलसीएम लेने में आप लोग को दिक्कत होगी, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, और आप लोग के पास कोई अगर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप लोग प्लीज़ सेंड कर दीजिए, या तो आप बुक बता दीजिए कि इस बुक का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास, अगर वो बुक होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख के बता सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं बच्चों, मैं उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा बच्चों, ओके, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू सो मच।